हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की हमारी रेसिपी है क्रंची बिस्किट्स, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी मैदा और कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है काजू, बादाम और पिस्ता। इन सभी को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद पैन में उसी कटोरी से हम लेंगे आधी कटोरी चीनी और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। आटे को गूंथने के लिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच घी। घी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि ये हाथों में ऐसे इकट्ठा ना होने लगे। जब ये आपके हाथों में ऐसे इकट्ठा होने लगे तो आप समझ जाइए कि आपका मोइन अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आटे को गूंथने के लिए हम चाशनी वाले पानी का इस्तेमाल करेंगे। सारा पानी एक साथ ना डालें, इसे धीरे धीरे करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही डालें। आटे को हमें ना तो ज़्यादा टाइट गूंथना है और ना ही ज़्यादा ढीला। ज़रूरत हो तो आप इसमें और मैदा भी ऐड कर सकते हैं। सो हमारा आटा गूंथ कर रेडी है। सो इसे हम थोड़ी देर के लिए 10 या 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे रेस्ट होने के लिए। अब हम आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। अब हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। सो मैंने यहाँ पर इसे राउंड शेप देने के लिए एक ढक्कन का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई सा भी शेप दे सकते हैं, जो भी आप लाइक करें। इसे फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
इसे हमें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कीजिए। इसी स्टेज पे हमारे बिस्कुट बनके तैयार हो चुके हैं और हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। सो लीजिए, हमारे बिस्किट्स बनके तैयार हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक, कमेंट और शेयर करें।